बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं तैमूर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अभी हो रहे हैं शाम के तकरीबन 7:30 बजे का टाइम है और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और सुना है कि इस्लामाबाद वाली साइड पर जो बारिश हुई है और बर्फबारी हो रही है, उधर से ही ठंडी हवा उधर आ रही है। शुक्र है कि काफ़ी दिनों के बाद मौसम कुछ बेहतर हो गया, वरना बहुत ज़बरदस्त नहीं पड़ रही थी। आज मैं अभी छत पे आया हूँ तो मैंने सोचा कि इधर से ही व्लॉग शुरू करें। अभी हमारे गंदम भी आने वाली है थोड़ी देर में, तो अभी आते हैं। ले जी, अभी हम छत से नीचे गैलरी में आ गए, इधर बाहर गेट के पास इधर बैठ के ठंडी हवा ले रहे हैं। और अभी फातिमा फिज़ा बतूल खेल रही हैं, इधर ये भी ठंडी हवा ले रही हैं। इस हवा में बहुत ही मज़ा है जो कि पंखों की हवा में नहीं है। क्यों बीर फातिमा, ऐसी बात है? ऐसी बात है? बादल भी गरज रहे हैं और दुआ करें कि बारिश हो, मौसम मज़ीद ठंडा हो जाए। ले जी, ये हमारी गंदम आ चुकी है। ले जी, दाने भी घर पे आ चुके हैं, ये सारे इधर रख दिए। और अभी जो असल टास्क है वो ये है कि अभी इन सीढ़ियों से ऊपर सेकंड फ्लोर पर लेकर जाने हैं और वहाँ पे संभालने हैं। अभी आपको बताएंगे कि किस में संभालने हैं। अभी सारे ऊपर लेकर जाने हैं इन दोनों को छोड़ के। जी, अब टाइम आ गया इसको उठाने का। ये सबसे मुश्किल आदमाइश वाला काम है जो कि ऊपर लेके आना है। सारे इससे ऊपर लेके आएंगे। अभी देखे बड़ा बहादुर का काम कर रहा है, इतने ज्यादा दाने। चलो चलो, रखो इधर, इधर नीचे रखो। फाइनली सारे दाने ऊपर आ गए। अब इनको ये जो उसको हम दो पंजाबी में पड़ोगा बोलते हैं, इसके अंदर डालने हैं अभी। ले जी, अब हरी आ गई है, इनको इसके अंदर डालने की। तो बहुत सांस फूल गया था जब ये ऊपर लेके आया, क्योंकि हमने कभी इस तरह का काम किया नहीं। मुझ जैसे जो बंदे खासकर सुबह जाके कुर्सी पे बैठना और शाम को उठ के आ जाना, जब इस तरह का वजनी काम करना पड़ जाए ना, तो फिर पता चलता है क्या होता है भाई। तो अभी ये रज़ा उबैद खो रहे हैं इनका मुंह ऊपर से, जहाँ से छुरी लगना जाए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी गंदम आ चुकी है और ये पूरा साल अभी इंशाल्लाह इस्तेमाल होगी। अभी पहले इन सब का एक दफ़ा मुंह खोल लेते हैं ऊपर से, ताकि फिर डालने में आसानी होगी। ये थोड़ा सा आपको अंदर से भी इसका थोड़ा रिव्यू करते हैं। ये देखें, ये रज़ा ने जो ला कर थोड़ा थोड़ा फेंकता रहे वो अंदर है। तो अभी ये सारा जो सारी ये गंदम है ये भी फेंकेंगे, तो देखते हैं किधर तक आती है। ले जी, अभी सब ये खुल चुके हैं, सब कम खुल चुके हैं। तो अभी नीचे से भाईजान को बुलाएंगे कि थोड़ी सी हेल्प करके, ये सारे जो बोरियाँ हैं छोटी छोटी, छोटी तो नहीं खैर से काफ़ी नहीं है, 50 किलो की एक होती है, ये उठा कर भी उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, ले जी फाइनली हमने इसके अंदर डाल दी। और ये दोनों बांदर बीच में घुसे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये आधे से ऊपर हो गए हमारा।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आप दोनों बाहर आ जाओ। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं, मैं अपने काम पे वापस आ चुका हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, रात को गंदम आई हुई थी, वो ऊपर सेकंड फ्लोर पे लेके गए थे, फिर उसको वो जो पेटिंग वहाँ है उसमें डाला, तो काफ़ी थकावट हो गई थी उसकी वजह से, क्योंकि हमने कभी जोर का काम किया नहीं, वजनी काम किया नहीं। हम सारा दिन आके ऐसी चेयर्स पर बैठ के काम करते हैं और उठ के फिर घर चले जाते हैं, तो कभी कभार इस तरह का अगर वजनी काम करना पड़ जाए तो फिर थकावट हो जाती है। लेकिन खैर, अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिल्कुल फ्रेश हूँ, मैं अपने काम पर भी आ चुका हूँ। तो आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। काफ़ी इंतज़ार करते रहे रात को बारिश का, कि बारिश हो जाए, लेकिन बारिश तो नहीं हुई, लेकिन मौसम काफ़ी बेहतर हो गया पिछले 2-4 दिनों की निस्बत से। तो उम्मीद करते हैं शायद बारिश फिर भी हो जाए। इस व्लॉग को फिर इधर ही ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।